स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ऑल अबाउट इंजीनियरिंग में। साथ ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्राफ्टसन मैकेनिकल का मॉडल पेपर, जो इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करती हूँ। ड्राफ्टसन मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी सेकंड ईयर मॉडल पेपर 2। पहला क्वेश्चन, व्हिच इज़ पॉजिटिव ड्राइव। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइव यूज़ होता है, जैसे गियर ड्राइव, व्हील ड्राइव, चेन ड्राइव। तो उसमें से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है? यह ऑप्शन है ए फ्लैट व्हील ड्राइव, बी वी व्हील ड्राइव, सी क्रॉस व्हील ड्राइव, डी ट्यूबिंग बेल्ट। सही आंसर होगा बी वी व्हील ड्राइव। सेकेंड क्वेश्चन, द बेल्ट स्लिप्स ऑकर ड्यू टू। बेल्ट स्लिप क्यों करते हैं? तो ऑप्शन है ए हेवी लोड, बी लूज बेल्ट, सी ड्राइविंग पुली टू स्मॉल, डी एनी वन ऑफ दिस। सही आंसर होगा बी लूज बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ वी बेल्ट। वी बेल्ट के इंक्लूडिंग एंगल कितना है? ऑप्शन ए 40 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 48 डिग्री, डी 42 डिग्री। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। यह लीवर सेफ्टी वाल्व है, स्प्रिंग लोडेड लीवर सेफ्टी वाल्व। यह एक्स जो मार्का है वो एक्स का नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स? ऑप्शन है ए आई बोल्ट, बी सेफ्टी लिंक्स, सी स्प्लिट पिन, डी वाल्व सीट। तो सही आंसर होगा ए आई बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड एज नॉन रिटर्न वाल्व। वेरियस टाइप्स ऑफ वाल्व यूज होता है, जैसा फीड चेक वाल्व, स्प्रिंग लोडेड वाल्व, सेफ्टी वाल्व, गेट वाल्व। तो वेरियस टाइप्स का वाल्व है, तो यहाँ ऑप्शन में है ए प्लग वाल्व, बी चेक वाल्व, सी गेट वाल्व, डी बटरफ्लाई वाल्व। तो सही आंसर होगा बी चेक वाल्व। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द एक्सिस ऑफ टू शाफ्ट्स आर पैरेलल यूज व्हाट। तो पावर ट्रांसमिशन के समय एक शाफ्ट से अनदर शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ गियर होता है, यूज होता है। तो गियर वेरियस टाइप्स का होता है और शाफ्ट का पोजीशन भी वेरियस होता है, जैसा कभी पैरेलल शाफ्ट होता है, कभी एंगुलर एंगल में रहता है, कभी इंटरसेक्टिंग में रहता है। तो दो शाफ्ट पोजीशन अलग अलग होता है, जैसा पोजीशन होता है वैसा ही गियर यूज़ करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन है यहाँ क्रॉस्ड हेलिकल गियर, बी वर्म गियर, सी विवेल गियर, डी स्पार और हेलिकल गियर। तो सही ऑप्शन होगा डी स्पार और हेलिकल गियर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द एक्सिस ऑफ टू शाफ्ट आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग यूज व्हाट। दो शाफ्ट जब परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट करेगा तो कौन सा टाइप का गियर यूज होगा? ऑप्शन ए स्पार गियर्स, बी बीवेल गियर्स, सी वर्म गियर्स, डी हेलिकल गियर्स। तो सही आंसर होगा बी बीवेल गियर्स। नंबर 8, व्हेन टू शाफ्ट्स आर परपेंडिकुलर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग यूज व्हाट। तो दो शाफ्ट जब परपेंडिकुलर होगा बट इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कौन सा टाइप का गियर यूज होगा? ऑप्शन है ए स्पार गियर, बी बीवेल गियर, सी वर्म गियर, डी हेलिकल गियर। सही आंसर होगा सी वर्म गियर्स। नंबर 9, एन ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स हैज डैश। ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में कौन सा गियर ट्रेन है? तो यहाँ ऑप्शन है ए सिंपल गियर ट्रेन, बी कंपाउंड गियर ट्रेन, सी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, डी नॉन ऑफ दिस। सही आंसर होगा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। नंबर 10, ए रैक इज ए गियर विथ डैश। तो रैक का गियर में क्या रहता है? ऑप्शन है ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाया और टीथ, बी इनफाइनाइट सर्कुलर पिच, सी इनफाइनाइट मॉड्यूल, डी नॉन ऑफ दिस। सही आंसर होगा ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाया और टीथ।
नंबर 11 इन मेट्रिक सिस्टम द साइज ऑफ गियर टूथ इज स्पेसिफाइड बाय डैश। मेट्रिक सिस्टम में गियर टूथ कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है? ऑप्शन है ए सर्कुलर पिच, बी मॉड्यूल, सी डायमेट्रल पिच, डी पी सर्कल डायमीटर। सही आंसर होगा डी पी सर्कल डायमीटर। नंबर 12 जीआई पाइप सॉकेट आर डेजिग्नेटेड बाय डैश। तो ऑप्शन है इट्स नॉमिनल बोर, बी नॉमिनल बोर ऑफ पाइप फॉर व्हिच इट इज मीन्ट, सी इट्स लेंथ, डी इट्स वेट। तो सही आंसर होगा बी नॉमिनल बोर ऑफ पाइप फॉर व्हिच इट इज मीन्ट। क्वेश्चन नंबर 13 लीड पाइप्स एंड कॉपर पाइप्स आर कट इजीली विथ। तो लीड पाइप एंड कॉपर पाइप को इजीली किस में काटा जाता है? ऑप्शन ए हैक्सो, बी नाइफ, सी पाइप कटर, डी चेन पाइप कटर। सही आंसर होगा ए हैक्सो। नंबर 14 व्हिच मटेरियल इज यूज फॉर जॉइनिंग सीआई पाइप। सीआई पाइप जोड़ने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रास, बी लीड, सी टीन, डी कॉपर। सही आंसर होगा ए ब्रास। क्वेश्चन नंबर 15 वाल्व इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी वाल्व। वेरियस टाइप्स का वाल्व है, तो कौन सा वाल्व को मेमोरी वाल्व बोला जाता है? सिंगल ए सिंगल पायलट सिंगल वाल्व, बी रोलर लीवर वाल्व, सी डबल पायलट सिंगल वाल्व, डी लॉजिक वाल्व। तो सही आंसर होगा सी डबल पायलट सिंगल वाल्व। नंबर 16 स्टेटस बार डू नॉट कंटेन। ये कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर में स्टेटस बार में कौन नहीं रहता? ए स्नैप, बी ग्रिड, सी इरेज, डी पोलर। सही आंसर होगा बी ग्रिड। 17 इन फोर स्ट्रोक इंजिन देयर इज वन पावर स्ट्रोक इन डैश ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन। तो क्रैंकशाफ्ट रोटेशन पावर स्ट्रोक में कितना डिग्री होता है? तो ऑप्शन है ए 180 डिग्री, बी 540 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी 720 डिग्री। सही आंसर होगा ए 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डज WCS स्टैंड्स फॉर। तो WCS का फुल फॉर्म क्या है व पूरा नेम क्या है? ऑप्शन ए वेस्टर्न कैट सिस्टम, बी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, सी वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, डी रॉन्ग कैट सेटिंग। सही आंसर होगा बी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। 19 इन फोर स्ट्रोक इंजिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पावर स्ट्रोक। तो फोर स्ट्रोक इंजिन में पावर स्ट्रोक का नेम क्या है, कौन सा है? ऑप्शन ए सक्शन स्ट्रोक, बी कंप्रेशन स्ट्रोक, सी एक्सपांशन स्ट्रोक, डी एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सपांशन स्ट्रोक। इसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं, एक्सपांशन स्ट्रोक को ही पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ऑप्शन सी। नंबर 20 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वी ग्रुप ऑन द पुली। पुली में वी ग्रुप का इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए नॉन फ्रिक्शन ग्रिप ऑफ वी बेल्ट, बी टू इंक्रीज फ्रिक्शन ग्रिप ऑफ वी बेल्ट, सी टू डिक्रीज फ्रिक्शन ग्रिप ऑफ वी बेल्ट, डी लेस फ्रिक्शन ग्रिप ऑफ वी बेल्ट। सही आंसर होगा बी टू इंक्रीज फ्रिक्शन ग्रिप ऑफ वी बेल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।